नमस्कार बच्चों बच्चों हमने टिश्यू चैप्टर के एनिमल टिश्यूज के बारे में डिस्कशन करा था और हमने थ्री टाइप्स के जो एनिमल टिश्यूज थे उनका डिस्क्रिप्शन कर दिया। ये टिश्यूज एपिथेलियल टिश्यूज थे, कनेक्टिव टिश्यूज थे, मस्कुलर टिश्यूज थे और आज हम बात करने जा रहे हैं नर्वस टिश्यूज की। तो बच्चों नर्वस टिश्यूज में न्यूरॉन आते हैं और ये टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूरॉन्स आर कनेक्टेड विद ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन या मोटर इंफॉर्मेशन होती है उसे हम न्यूरॉन के थ्रू कंप्लीट करते हैं। तो ये एक टिश्यू है नर्वस टिश्यू, इसको न्यूरॉन या नर्व सेल्स कहते हैं। तो नर्वस टिश्यू जो है न्यूरॉन और नर्व सेल से बना होता है। डायग्राम में आप ये न्यूरॉन की स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो ये आपको ये सेल वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, दिस पोर्शन, ये पोर्शन कहलाता है साइटोन। दिस इज कॉल्ड साइटोन, आप आराम से देखिए, दिस इज साइटोन। और जो ये वाला हिस्सा है ये कहलाता है एक्सॉन, दिस इज एक्सॉन। और ये जो हिस्सा है दैट इज कॉल्ड नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग। स्टूडेंट्स एक न्यूरॉन तीन मेन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, साइटोन, एक्सॉन एंड नर्व एंडिंग। साइटोन सेल लाइक स्ट्रक्चर होती है विच इज एक्सटेंडेड डाउनवर्ड इन द फॉर्म ऑफ एक्सॉन एंड द एंड ऑफ एक्सॉन इज हैविंग मेनी नर्व्स टुगेदर एंड दीज आर द नर्व एंडिंग। अब जो ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स। और ये जो स्ट्रक्चर अंदर है एक सेल के अंदर सैप है, ये न्यूरोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म जैसा ही होता है। और ये आप जानते हैं दिस इज न्यूक्लियस, ठीक है। तो साइटोन में डेंड्राइट्स, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है और ये एक्सॉन है और ये नर्व एंडिंग है। तो ये एक टिपिकल नर्व सेल की स्ट्रक्चर है, न्यूरॉन को नर्व सेल भी बोलते हैं और इनका काम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करना। ये नर्वस कोऑर्डिनेशन करते हैं, जो भी मैसेज होता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में डेंड्राइट के थ्रू आता है और साइटोन के अंदर एंट्री लेते हुए वो मैसेज इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के फॉर्म में एक्सॉन की तरफ जाता है और एक्सॉन इज एक्सटेंडेड इन द फॉर्म ऑफ नर्व एंडिंग और नर्व एंडिंग से फिर दूसरा न्यूरॉन का डेंड्राइट पार्ट जुड़ा होता है, यानी नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ द अदर न्यूरॉन, इस तरीके से पूरा नेटवर्क बनाता है। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। अब न्यूरॉन दो टाइप के मेन होते हैं, नंबर वन सेंसरी न्यूरॉन एंड नंबर टू मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन जो जितने भी स्टिमुलस हैं एनवायरमेंट में जो चेंजेस होते हैं जैसे हीट है, कोल्ड है, स्मेल है, पेन है, इनको रिसीव करते हैं, इनकी इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स और ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाते हैं। आगे के चैप्टर में 10th क्लास में आप सीखेंगे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाते हैं और ब्रेन इंटरप्रेट करता है, स्पाइनल कॉर्ड इंटरप्रेट करती है और मोटर न्यूरॉन को इंस्ट्रक्ट करती है और मोटर न्यूरॉन जो है वो इफेक्टर ऑर्गन को इंस्ट्रक्शन देता है और इफेक्टर ऑर्गन उसके अकॉर्डिंग एक्ट करता है। न्यूरॉन का फंक्शन एक सिंपल एग्जांपल से समझ लीजिए स्टूडेंट,
मान लीजिए किसी बच्चे के कांटा लग गया, तो जैसे ही कांटा चुभा, स्किन में मौजूद स्किन की सेल्स ने इस इंफॉर्मेशन को लिया और इससे कनेक्टेड है सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन के पास इंफॉर्मेशन गई कि भाई कांटा लग गया, जल्दी से इन्फॉर्म करो सेंटर को, तो बहुत तेजी से ये एक्शन होता है। तो उसने क्या करा, इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक ना भेजकर स्पाइनल कॉर्ड को दिया और स्पाइनल कॉर्ड ने तुरंत मोटर न्यूरॉन को ऑर्डर करा कि जाकर मसल्स ऑर्गन को बोलो कि वो अपना हाथ खींच ले या कांटे को निकाल ले। तो इस तरीके से न्यूरॉन का फंक्शन, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करना होता है। डिफरेंट टाइप्स के न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में होते हैं और पूरा नर्वस सिस्टम फॉर्म करते हैं। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि नर्वस टिश्यू या न्यूरल टिश्यू में न्यूरॉन के फंक्शन, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर को आप भली भांति समझ गए होंगे। थैंक यू। और इस तरीके से ये चैप्टर भी फिनिश हुआ टिश्यूज का। थैंक यू।